जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, हम उसको एक नाम देते हैं क्योंकि नाम का कुछ यूटिलिटी तो होता ही है। लेकिन सच तो ये है कि नाम केवल एक लेबल है, एक सूचक है जो आसानी से बदला जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं और अगर कोई नाम ना हो तो चीजें बहुत जटिल हो जाएंगी। पर ये समझना जरूरी है कि नाम हमारी असलियत नहीं है, नाम सिर्फ एक सुविधा है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। बचपन से ही हम अपने नाम से जुड़ जाते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा नाम है, ये मैं हूँ। लेकिन जब तुम एक साधक बन जाते हो तो पहला कदम यही होता है कि तुम्हें एक नई पहचान दी जाती है और तुम्हें इस प्रोसेस में गुरु एक नया नाम देता है। ये नाम तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारी संभावना का होता है और ये तुम्हें अपने अतीत से मुक्त करने के लिए एक प्रयास है। जब ये सब आइडेंटिटीज खत्म हो जाती हैं, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कौन हो, अव्यक्त, अनाम, अरूप, अभाषित। और यही सच्चाई है जो तुम्हारे अंदर के साक्षी को जानने में मदद करती है। कुछ भी उस व्यक्तित्व के बारे में कहा नहीं जा सकता, शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते। गुरु तुम्हें अतीत से डिसकंटिन्यूटी देते हुए आने वाले समय के लिए तैयार करता है। जब तक तुम अतीत को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ते तब तक वर्तमान में रहना संभव नहीं। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है और इसी वर्तमान में होने का मतलब है सब कुछ जानना।